चलिए फिर आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर आपको पता है कि टॉपिक का नाम ही है, आपके टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक का नाम है सिंटेक्स, है ना, समझ गए। जिसको कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओ सिंटेक्स या जो है सब्जेक्ट वर्ब इसी को कहते हैं एग्रीमेंट, है ना, या जो है कभी कभी इसी का नाम दे दिया जाता है कॉन्कॉर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकर्ड, है ना, इसी का नाम हो जाता है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकर्ड, है ना, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकर्ड। एक्चुअल में ये होता क्या है तो ध्यान दीजिए, इसमें एक एग्रीमेंट होता है और वो भी एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होता है। इसमें जो वर्ब होता है वो एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होता है। होता कैसे है? सब्जेक्ट ये कहता है कि देखो भैया, तुम वर्ब हो, तुमको कभी भी आना है तो हमारे अनुसार आना है। यानी कि वर्ब का यूज हमेशा किसके अनुसार किया जाएगा? सब्जेक्ट के क्या मिस अनुसार किया ही किया जाएगा। यही एग्रीमेंट हुआ है ना। एग्रीमेंट क्या हुआ है? वर्ब इज, सॉरी, वर्ब नहीं, सही है, वर्ब इज या वर्ब ऑलवेज, वर्ब ऑलवेज यूज अकॉर्डिंग टू, सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा। एग्रीमेंट ये हुआ है कि सब्जेक्ट कहता है कि देखो, अगर हम सिंगुलर रहेंगे, अगर हम, मान लीजिए सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, कैसा होना चाहिए? प्लूरल। वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। यही एग्रीमेंट हुआ दोनों का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में या कॉनकर्ड में एक एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट क्या हुआ है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर सिंगुलर होगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल 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 होगा। होगा। अब देखिए, इसमें थोड़ा आगे जाने से पहले हमें ये समझ लेना होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको थोड़ा स्किप करते हुए देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। आइए देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, अभी तक आप सब्जेक्ट की क्या डिफिनेशन याद किए हैं आई डोंट नो, लेकिन सिंपल सा आप इतना याद रखो सब्जेक्ट होता क्या है। तो आप केवल इतना याद रखो कि सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में कुछ कहा जाए। सिंपल सा, अबाउट विच समथिंग इज सेड, है ना। आप सिंपल से इतना याद रखो, अबाउट विच समथिंग इज सेड, अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ कहा गया। सिंपल से इतना याद रखो, जिसके बारे में, कुछ कहा गया हो। जिसके बारे में, जिसके बारे में कुछ कहा गया हो या कुछ कहा जाता है या जिसके बारे में कहा जा रहा हो, वही होता है सब्जेक्ट। सिंपल से इतना याद रखो। अब दिमाग लगाओ, ही के भी बारे में कहा जा सकता है दे के बारे में और अगर सी के भी बारे में कह सकते हैं, जैसे वह ही जा गुड बाय, सी जा गुड बाय। ही के भी बारे में कह सकते हैं, सी के भी बारे में कह सकते हैं, इट के भी बारे में कह सकते हैं, जहां नॉन लिविंग हो, या किसी नेम के बारे में कह सकते हैं, सिंगल एक नेम के बारे में, और वो नेम चाहे मेल का हो चाहे वो फीमेल। फीमेल हो, लेकिन हाँ एक नेम के बारे में, या कोई जरूरी एक ही नाम के बारे में बताएं, है ना, ये तो कोई जरूरी तो है नहीं, तो हम लोग और क्या कर सकते हैं? बोलिए, कोई जरूरी तो है नहीं कि एक ही नाम के बारे में बताया जाए। भाई यहां पर देखिए, टू नेम भी हो सकता है और टू से मोर देन बट टू नेम भी हो सकता है, कंडीशन आई भी हो सकता है, बी बी भी हो सकता है, मोर।
यू भी हो सकता है और दे भी हो सकता है, है ना। अगर सब्जेक्ट की ये वाली कैटेगरी ही सी इट और एक नेम है तो इसको कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। में इसको क्या कहते हैं बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। अगर सब्जेक्ट की कौन सी कैटेगरी है? ही सी इट या वन नेम, मतलब सिंगुलर थिंग्स को डिनोट करने वाली कैटेगरी है तो कहलाएगी सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन आई बी यू दे या टू नेम और मोर देन टू नेम अगर ये कैटेगरी है सब्जेक्ट की तो इसको क्या कहेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट कहेंगे। डन है ना, क्लियर हुआ? अच्छा ये तो क्लियर हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट होता क्या है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बात किया जाए, कुछ चीजें हैं आपको वहां दिमाग लगाना होगा। जैसे अगर कह दिया जाए माय फादर, मेरे पिताजी, तो अब यहां बताइए माय फादर क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो इतना तो सेंस तो रहेगा ही। अब ऐसा तो कहेंगे नहीं माय फादर्स मेरे पापाज, है ना? नहीं, ये तो सिंगुलर है ना, डन है ना। तो इतना क्लियर, यानी सिंगुलर चीजों को डिनोट करने वाली सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल। लेकिन आई और यू भी प्लूरल में आती हैं, जबकि आई और यू का नेचर होता है सिंगुलर। जैसे आई मीन्स मैं, एक ही है, यू मीन्स तुम, तो लेकिन इसको प्लूरल में रखा जाए। तुम कौन, तुम पता नहीं। डन हुआ ना, इतना क्लियर हुआ ना। अब देखो दूसरा, ध्यान दीजिएगा, ये जो सब्जेक्ट होता है आपका, ये जो आपका सब्जेक्ट होता है, ये जो आपका सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन काम करेगा, नाउन ही होता है, यानी कि नाउन सब्जेक्ट का काम करता है, है ना। सब्जेक्ट या स्थान पर नाउन होगा या तो प्रनाउन होगा, दो ही चीज होगा, नाउन या प्रनाउन ही सब्जेक्ट का काम करता है और कोई सब्जेक्ट का काम नहीं करता। यानी कि सब्जेक्ट जो होगा या तो नाउन होगा या तो वो प्रनाउन होगा, या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। डन है ना, इतना क्लियर। अब देखो ध्यान से, यहाँ क्लियर हुआ। एक प्रश्न है एक बच्चे का कि सर स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली इसमें सब्जेक्ट कौन है? इसमें आपको बताना है सब्जेक्ट कौन है। तो बेटा इसमें सब्जेक्ट यू है। एक्चुअली इसका रीजन ये है, स्पीक लाउडली, जोर से बोलो, है ना। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू हाइड रहता है और ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अरे भाई मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि स्पीक लाउडली, मतलब तुम ही से ही तो बोलूंगा, सब्जेक्ट यू है लेकिन यहाँ पर यू क्या है? हाइड है ना। क्लियरली कोई सब्जेक्ट नहीं है, और जो सब्जेक्ट है अगर आप देखना भी चाहोगे तो एक हाइड सब्जेक्ट है और उसका नाम क्या है? यू। डन है ना, इतना क्लियर हुआ। आगे देखिए, अच्छा ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। अब थोड़ा बात कर लेते हैं वर्ब की, ध्यान दीजिएगा। वर्ब वाले केस की बात किया जाए तो वर्ब मीन्स, आप सिंपल से याद रखिए, वर्ब मीन्स, वर्ब को एक्शन वर्ड भी कहते हैं। वर्ब को, वर्ब इज आल्सो नोन एज एक्शन वर्ड और वर्ब इज आल्सो नोन एज डूइंग वर्ड। वर्ब को एक्शन वर्ड या वर्ब को डूइंग वर्ड दोनों भी कह सकते हैं, चाहे आप एक्शन वर्ड बोलो चाहे डूइंग वर्ड बोलो। अच्छा हाँ, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि वर्ब जो होता है ये एक्शन को ये डिनोट करता है। ये क्या करता है? एक्शन डिनोटिंग वर्ड होता है, एक्शन डिनोटिंग वर्ड होता है, डब्ल्यू ओ आर डी, एक्शन डिनोटिंग वर्ड होता है। जैसे कोई मान लीजिए ईट कर रहा है तो एक प्रकार से क्या कर रहा है? कौन सा एक्शन कर रहा है? खाने का एक्शन कर रहा है, है ना। कोई आपका स्लीप कर रहा है तो क्या कर रहा है? सोने का एक्शन कर रहा है, सोने का काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है। एक्ट मीन्स होता है काम करना। डन है ना, इतना क्लियर। अब ध्यान देना, वर्ब में क्या होता है, अगर वर्ब की पहली फॉर्म है, ध्यान से समझिए, अब ये समझने वाली चीज है। अगर आपकी वर्ब की पहली फॉर्म है तो वर्ब की पहली फॉर्म आपका क्या कहलाती है? सिंगुलर वर्ब नहीं होती,
बल्कि क्या कहलाती है, प्लूरल वर्ब कहलाती है। ध्यान प्लूरल। देना, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई भी वर्ब अगर अपने वो बेस फॉर्म में है, मीन्स फर्स्ट फॉर्म में है, तो उसको कहते हैं प्लूरल वर्ब कहते हैं। अगर कोई वर्ब अपने बेस फॉर्म में है तो उसको क्या कहा जाता है, प्लूरल प्लूरल वर्ब वर्ब कहा जाता है। लेकिन जैसे ही वर्ब में, चेंज। जैसे ही वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस या ई एस लगा देते हैं, जैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस या ई एस लगा देते हैं, वो चेंज हो जाता है सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर वर्ब। ध्यान देना, यहां से अच्छा खासा कंफ्यूजन होता है। सिंगुलर वर्ब में चेंज हो जाता है, डन है ना। कुछ सिंगुलर वर्ब में आते क्या है, तो सिंगुलर वर्ब में आपका इज सिंगुलर में ही आता है वाज ना। वाज आपका सिंगुलर वर्ब में ही आता है, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब भी तो इसी में आएगी। हैज आपका सिंगुलर वर्ब में ही आता हैड है दोनों ना। के लिए होता तो इज, वाज और हैज, हैज खासकर तीन चीज याद रखो, इज और शैल है ना, वाज और हैज, ये सब किस में आएंगी, शैल। सिंगुलर वर्ब में आएंगी, डन है ना। इतना क्लियर। अब देखो यहां से समझो, देखो एक चीज और समझो, अगर किसी नाउन में, ध्यान देना, किसी नाउन में, अब नाउन, नाउन तो पता ही है ना, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन पर्सन प्लेस प्लेस और और थिंग। थिंग अगर किसी नाउन में आप एस या ई एस ऐड कर देते हैं तो वो चेंज हो जाता है प्लूरल, बच्चा, प्लूरल में चेंज हो जाता है, बट यानी कुछ कि कंफ्यूजिंग प्लूरल होते हैं। नाउन के फॉर्म में आ जाता है, ध्यान देना। लेकिन अगर आप किसी वर्ब में, वर्ब की पहली फॉर्म में एस या ई एस ऐड कर देते हैं तो वो प्लूरल वर्ब के फॉर्म में नहीं चेंज होगा, बल्कि वो सिंगुलर किस में चेंज होगा, सिंगुलर वर्ब के फॉर्म में चेंज होगा, सिंगुलर वर्ब के फॉर्म में चेंज होगा, ध्यान दीजिए, स्पाउस है ना। इतना क्लियर हुआ ना, इतना क्लियर हुआ, बोलो भाई। यस सर। देखो अगर नाउन अकेला है, उसमें एस या ई एस कुछ ऐड नहीं है, जनरली तो वो वो अपना सिंगुलर होता है, वो क्या होता है आपका, सिंगुलर सिंगुलर होता है। लेकिन अगर उसमें एस या एस ऐड है, लेकिन तो कुछ प्लूरल केसेस में ऐसा होता है कि एस या एस नहीं रहता, तब भी प्लूरल रहता है, वो अलग केस है। अभी आप राइट। मोटा मोटा ऐसे समझो, अगर कोई नाउन है तो सिंगुलर होता है जनरली, लेकिन एस या एस लग जाता है तो वो चेंज किस में हो जाता है, प्लूरल में। प्लूरल अगर कोई वर्ब है आपका, वर्ब की पहली फॉर्म बेस फॉर्म में है, तो वो जनरली वो होता किस में है, वो होता है प्लूरल प्लूरल वर्ब में में होता है, क्या पढ़ रही हूँ प्लूरल वर्ब में होता है। लेकिन अगर जैसे आप उसमें एस या एस लगा देते हैं, वो वो सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर अब आपका टॉपिक जो है, उस टॉपिक का नाम है बच्चा सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब वर्ब कंकर्ड कॉनकर्ड, है ना, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकर्ड, या कर्ड आप इसी को कह सकते हैं एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह सकते हैं। अच्छा सर डिटरमिनेशन यहां आने पर लगता ध्यान देना, इधर ध्यान दो, है ना, इसी को आप सिंटेक्स भी कह सकते हैं। अब यहां पर होता क्या है, इसमें हो जाता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, और एग्रीमेंट ये होता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट सब्जेक्ट है, इसको मान के चल रहे हैं एस एस, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर वर्ब ही लगेगा, एसवी सिंगुलर वर्ब लगेगा, मीन्स एस भी, डन होना। इतना क्लियर है ना, और सिंगुलर वर्ब का मतलब समझ रहे हैं ना, सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या, आई वर्ब की पहली फॉर्म वर्ब की में एसी एस एस या ई ईएस एस या इज, वाज और हैज, ये तीन आपके खुद किस में आते हैं, सिंगुलर वर्ब में ये तीनों आता है, डन है ना। इतना क्लियर, बोलो यहां तक कोई समस्या, डन। अब देखो ये तो पहला रूल, जैसे अब ध्यान दो, जैसे यहां पर मान लो आ जाए ही, ध्यान दीजिए ही, और शी यहां पर हम फील कर देते हैं और यहीं पर लिख देते हैं गो, है ना, ब्रैकेट में, और टू स्कूल। अब बताइए यहां पर क्या आएगा, ये तो मिस्टेक गो ही लगेगी लिखा जाएगा या गोज लिखा जाएगा, लिखा क्या जाएगा बताइए। यहाँ गो ही रहेगा सर गो नहीं ई एस यहां लगेगा पर आपको गोज ध्यान दो, गोज ही है, ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या एस चाहिए, सी सिंगुलर एस वर्ब चाहिए, यस सर और सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या हुआ, एस सी एस लगेगा एस वर्ब या ई एस लगेगा ना, यस सर तो गो में क्या हो जाएगा, गोज ही गोज होगा, गोज सिंगुलर ही सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा, ही के साथ गोज ही तो होगा,
गो तो होगा नहीं। अरे भाई ही के साथ गोज ही तो रहता है, ये आपका गलत हो। समझ में आया? बोलो यहाँ तक क्लियर है ना। अब दूसरा देखो, ये तो आपका पहला है। दूसरा क्या है, अगर यहाँ सिमिलर सब्जेक्ट नहीं है और सिमिलर सब्जेक्ट में समझ रहे ना, ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, या कोई वन नेम और मोर देन वन नेम, नहीं केवल वन नेम ही, सिमिलर सब्जेक्ट में केवल एक ही नेम है ना, मोर देन एक नेम नहीं, ज्यादा हो जाएगा वो तो प्लूरल में चला जाएगा। चलो ये तो पहला हो गया। अब इसी तरह अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको कौन सा वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट को आप पी एस से डिनोट कर रहे हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब का यूज होगा है ना, मतलब पी भी का, और प्लूरल वर्ब का मतलब क्या हुआ, वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म। जैसे आप बताइए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माई फादर आर अ डॉक्टर, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, तुरंत ही गलत हो जाएगा। बताइए माई फादर सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर, माई फादर क्या है, सिंगुलर है, माई फादर क्या है, सिंगुलर, देखो ध्यान देना, माई फादर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है, और सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या हुआ, या तो वर्ब की पहली फॉर्म में एस ए एस, या तो इज वाज हैज, यहाँ प्रेजेंट का केस है ना, तो प्रेजेंट के लिए क्या करोगे, इज लगाओगे ना, तो यहाँ पर आर नहीं, क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। लेकिन अब हम थोड़ा सा मान लो यहाँ पर क्या कर दें, हाँ परिवर्तन कर दें, मतलब यहाँ कर दें, बताना आप ध्यान से, माई ब्रदर्स इज अ डॉक्टर, बताइए क्या ये सही है, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पर ध्यान दो, माई ब्रदर्स क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, बोलो मेरे भाइयों भाई लोग, तो यहाँ ये तो हो गया प्लूरल में ना, क्योंकि मोर देन वन थिंग्स को डिनोट कर रहा है, ये आपका प्लूरल, मतलब ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट पी एस। अब बताए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब आएगा, और प्लूरल वर्ब का मतलब क्या हुआ, आर, प्लूरल वर्ब का मतलब क्या हुआ, या तो वर्ब की पहली फॉर्म आर हैव, या तो वर्ब की पहली फॉर्म, या तो आर, या तो या हैव, या वर्ब है ना, या जो है वर, ये चीज होगा केस, तो यहाँ पर क्या रहेगा, बताइए इज है, प्रेजेंट का केस है, तो प्रेजेंट के लिए क्या आता है, आर ही तो आएगा, तो यहाँ पर आर होगा। बताइए यहाँ तक समझ में आया, बोलो भाई, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डिफिनेशन समझ में है, मतलब ये है क्या, एक एग्रीमेंट है, किनके किनके बीच एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब, इतना क्लियर है ना। बोलो भाई आप लोग, हेलो हेलो, किसी को कोई समस्या है, यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछना है, चलिए ठीक, कोई क्वेश्चन होगा तो साइड में देखिए रवि आजाद करके लिखा, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अब देखिए देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पहले एक क्वेश्चन दे दे रहे हैं, देखते हैं आप लोग को आता है कि नहीं ये चीज, अगर आता होगा, अगर आप लोग सही कर लीजिए तो मान जाएंगे कि हाँ आपको आता है, नहीं तो मानेंगे कि आपको नहीं आता है। जैसे ध्यान दो, ही, ध्यान दीजिए, ही एज वेल एज, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, बताइए इज लकी, ध्यान दीजिए, बताइए क्या ये सही है, गलत है, गलत है, इसमें वो रूल फॉलो हो रहा है कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा, ये गलत है। हाँ। ये बेटा सेंटेंस जो है आपका है ना, ये बिल्कुल गलत नहीं है, सही है। इसका रीजन क्या है, सुनो अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर रूल है, यानी कि अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है आपका, है ना, यहाँ पर रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का रूल, पहला रूल क्या, ध्यान देना, इसमें कुछ वर्ड एज बेल एज, एज वेल एज है ना, विद टुगेदर विद, एज वेल एज विद टुगेदर विद अलोंग विद, अलोंग विद बिसाइड्स,
बिसाइड्स, अब लगा दो थ्री मैजिकल वर्ड ईटीसी, ध्यान देना। अगर ये आपको कहीं दिख जाए और इसके पहले सब्जेक्ट हो, मान लेते हैं सब्जेक्ट वन जैसे यहाँ है, ये आपका सब्जेक्ट वन है ना, और इसके बाद में सब्जेक्ट हो, ये आपका मान लेते हैं सब्जेक्ट टू, इसके पहले सब्जेक्ट हो और इसके बाद में सब्जेक्ट हो, तो इन शब्दों के साथ में हमेशा आपको जो वर्ब आएगी सिंगुलर रहेगा। वो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग आएगी। बोलो इतना क्लियर हुआ ना? सर एक ये भी बोल दो सुनो आप। सुनो सुनो, पहले समझ लो, हाँ मैं समझ सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग आएगी है ना। अब यहां पर देखिए, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब बताए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या इज, सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या सिंगुलर सिंगुलर वर्ब, तो ही के साथ इज, सही इज। है, हाँ बिल्कुल सही। लेकिन अगर इसी में थोड़ा सा मान लो क्या कर दिया जाए, कहानी कर दिया जाए, इसी में थोड़ा सा घुमा दिया जाए। अब बताइए यहां पर ध्यान दीजिएगा, हिज फ्रेंड्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, अच्छे अच्छे ये नहीं कर पाएंगे। हिज फ्रेंड्स, अब ध्यान देना, एज वेल एज इज लकी। अब बताए क्या ये सही है गलत क्या? अब यहाँ सब्जेक्ट वन ये हो गया, सब्जेक्ट वन आपका क्या हो गया, ये ये हो वाला गया हो गया, और सब्जेक्ट टू सॉरी एज वेल एज ही, सब्जेक्ट टू आपका ही हो गया। बताइए किसके अनुसार, सब्जेक्ट वन के वन के। अनुसार, तो हिज फ्रेंड्स ये प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हिज नहीं आर आर, तो यहाँ पर इज नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, आर आर होना चाहिए, समझ में आया? लेकिन अब ध्यान दो, ध्यान देना यहीं पर, ये तो आपका पहला रूल था। अब दूसरा रूल देखो, रटना बिल्कुल नहीं। अब आप सोच रहे होंगे इन सबको याद करें, याद करने की भी आवश्यकता नहीं, अभी हम एक एकदम से आपको ट्रिक बता देते हैं, कभी आप भूल ही नहीं सकते, जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाएंगे। देखिए दूसरा, देखो अगर आ जाए कहीं इधर आर, ध्यान दीजिएगा इधर आर और है ना, अगर कहीं आ जाए नाइदर आपका नॉर नाइदर नॉर या नीदर नॉर आ जाए, वेदर आर है ना, ये चीज आ जाए आपका, क्लियर है ना? ऐसे जो है आपका नॉट ओनली बट आल्सो आ जाए, नॉट ओनली बट आल्सो आ जाए, ऐसे कई ईटीसी लगा दो, लो सब हो गया। अब ठीक। अगर ये केस है तो ध्यान देना, ये केस है आपका, तो यहां सब्जेक्ट वन रहेगा है ना, सिमिलर आपका यहां पर सब्जेक्ट वन रहेगा, और इसके बाद क्या रहेगा, यहां सब्जेक्ट टू या तो यहां रहेगा या तो यहां रहेगा, समझ पा रहे हैं कि नहीं? यहां पर आपका क्या रहेगा, या तो सब्जेक्ट वन यहां, यहां तो फिक्स है सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू या तो यहां रहेगा या तो यहां, लेकिन इसके बाद रहेगा, तो सब्जेक्ट टू या तो आपका यहां रहेगा या तो यहां रहेगा, वैसे यही रहेगा सब्जेक्ट टू, इसके बाद पूरा सेंटेंस रहेगा। तो इस केस में जो भी वर्ब आएगा ना सिंगुलर वो सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग आएगा, बच्चा ध्यान देना, अभी एकदम बता दिया जाएगा, परेशान ना हो, इतना क्लियर हुआ ना? अब कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर कह दें, बताइए नीदर या नाइदर ही है ना, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स आर सॉरी वाज लकी, या डब्ल्यू ए एस है ना, वाज लकी LUCKY, बताइए क्या ये सही है? नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स वाज लकी, देखिए नीदर नॉर आ गया ना, या नाइदर नॉर आ गया, सब्जेक्ट वन ये है आपका, आपने कहा था पहले पढ़े पहले पड़ेगा, ठीक पहले कर दो ही देन है ना, तो इसके नहीं लिए नहीं नहीं किसी नहीं ने सॉरी सॉरी, प्रिपेयर अरे सॉरी किया भाई, नया दो सब्जेक्ट सेंटेंस रहेगा निकाल लिया। ये थोड़ा सा पहले, नहीं कोई जरूर नहीं है। अरे यार देखो यहाँ, नाइदर ही या नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स है ना, मतलब ये सब्जेक्ट वन है आपका, यहाँ सब्जेक्ट वन कर दो, यहाँ सब्जेक्ट टू कर दो, कैसे भी केस है ना, तो सब्जेक्ट टू के अनुसार आएगा, डन। अब देखो नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स, ना तो वह और ना ही उसके मित्र मित्र लकी थे, अब बताए क्या ये सही है? गलत यहाँ हिज फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट है, और बताए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हुआ जाएगा कि वर आएगा, वर आएगा वर आएगा ना, तो वाज तो गलत है ना,
तो यहाँ पर होना क्या चाहिए, वर्ब होना चाहिए। अच्छा अब इसका रीजन कैसे याद रखेंगे, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर टू है। देखो अगर चाहे एक वर्ड हो, चाहे दो वर्ड हो और चाहे तीन वर्ड हो, अगर वो पास पास में लिखें, अगर वो क्या लिखें पास 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 में हो, एक ही साथ हो, तो एक नंबर वाले के साथ काम करना। अगर देखो शब्द चाहे एक हो, चाहे तीन हो या चार हो, नहीं मतलब अगर वो एक साथ लिखे हैं तो सब एक साथ लिखा है। ये देखो यहाँ पर एक साथ लिखे हो तो एक नंबर वाले के अनुसार काम करो। अगर वो भले ही दो हैं लेकिन अगर दूर दूर लिखे, एक साथ नहीं लिखे, तो नंबर दो के साथ नंबर दो वाला काम करना है ना, मतलब याद रहेगा ना। अब आपको ये वर्ड भी सेंटेंस आपको दिखेगा एज वेल एज, एक साथ लिखे है ना, तो एक नंबर वाले के अनुसार, इसलिए हिज फ्रेंड्स के अनुसार आर होगा। नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स, तो दूर दूर लिखे, दो नंबर लिखे, तो जब दूर दूर लिखे हो तो दो नंबर के साथ काम करना, मतलब दूसरे नंबर वाले सब्जेक्ट के साथ काम करना, तो हिज फ्रेंड्स के अनुसार क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। डन हुआ, इतना बताओ, इतना समझ में आ रहा है ना। ये आपका रूल नंबर वन है और ये आपका रूल नंबर टू है। अब देखिएगा रूल नंबर थ्री क्या कहता है। देखो रूल नंबर ये थ्री कहता है, अगर कोई सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सेंटेंस इमेजिनेशन वाला होगा, यानी कि आई बिस या वुड डेट से स्टार्ट होगा, आई बिस या वुड डेट से स्टार्ट होगा, एक्चुअल में इसका मतलब होता है कास, तो इसके बाद जो भी सब्जेक्ट रहेगा चाहे वो सिमिलर हो चाहे वो प्लूरल हो, हमेशा वर का यूज करना है आपको, हमेशा किसका यूज करना है, वर का यूज करना है, इसके बाद में जो कुछ भी आप बोलते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि काश मैं राजा होता, आई विश है ना, तो ध्यान देना, आई विश आई वाज अ किंग, बताइए क्या ये सही है, क्या ये सही है, गलत है, है ना। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, वाज नहीं होना चाहिए, तो होना क्या चाहिए, वर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में अगर कभी आई बी से आई वुड आ जाए तो हमेशा, और आई बी से आई वुड हमेशा इमेजिनेशन के लिए होता ही है, तो वहां सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या लगाना, वर। अब ये मत देखना आई के साथ तो वर लगता नहीं है, लगता है लेकिन कंडीशन है, इमेजिनेशन हो तो, हाँ ये बात सही, आई के साथ वाज लगता है, लेकिन जब इमेजिनेशन की बात आ जाए, जब आप सपनों की दुनिया में आ जाओ, तब आई के साथ क्या लगा देना, वर लगा देना, आई ही नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट के साथ में वर लगेगा, सारे ही के भी साथ वर लग जाएगा, सी के भी साथ वर लग जाएगा, है ना। जैसे हम कहते हैं काश तुम गधे होते, है ना, तो आई बिस दो तरीके से आप बना सकते हैं, आई बिस या आप चाहो तो कैसे बना सकते हैं, वुड डेट, है ना, आई बिस या वुड डेट, दोनों में से जो आप चाहें वो यूज कर सकते हैं, यू है ना। अब देखो यहां से तो क्लियर हो जाता है, ये नहीं पूछता वो, क्योंकि हाँ ये तो सबको क्लियर रहता है, यू वर डंकी, है ना। अगर यहाँ पर वो कर देगा आई बिस, यहाँ पर कर देगा सरिता, सरिता एक गधी होती, सपोज कर लो, है ना, या सरिता एक जो पागल होती, तो आई बिस सरिता वाज अ सिली, है ना, वाज सिली। अब यहाँ पर देखो वाज गलत हो गया ना, क्यों गलत हो गया, क्योंकि आई बी साई वुड डेट काश सरिता पागल होती है, नहीं आप सोच रहे हो दुश्मनी, आप कह रहे हो काश पागल होते हैं, बहुत मारते बहुत मारते लतियाते बहुत, है ना। तो ध्यान दो यहाँ पर, ध्यान दो, आई बी वुड डेट सरिता, फिर यहाँ पर इमेजिनेशन वाला बात आ गई ना, तो जब इमेजिनेशन की बात आ जाए तो सारे सब्जेक्ट वहां चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, डजंट मैटर, हर कोई के साथ में क्या लगेगा, वर लगेगा। ये आपका तीसरा रूल हो गया, समझ में आ रहा है इतना। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ रूल की तरफ। तो देखिए फोर्थ रूल की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू एंड से जुड़े हों, सेम आइडिया दे रहे हों, और दोनों सब्जेक्ट क्या हों, सेम पर्सन या सेम थिंग को रिफर कर रहे हैं, ब्रेड एंड बटर, है ना, दोनों सब्जेक्ट क्या है, सेम थिंग या सेम पर्सन को, जनरली आइडिया ये रहता है अगर कोई एंड से जुड़ा है
तो वहां पर प्लूरल लगाते हैं, लेकिन ध्यान देना इफ है ना बोथ सब्जेक्ट, ध्यान देना इफ बोथ सब्जेक्ट, बोथ सब्जेक्ट इज रिलेटेड, या आप बोल सकते हैं इज ज्वाइंट है ना किससे, टू अ टू द सेम थिंग, एक ही चीज से ज्वाइंट, तब वहां पर क्या करेंगे, तब वहां पर कौन सा वर्ब लगाएंगे, कौन सा वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और सिंगुलर वर्ब का मतलब सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और सिंगुलर वर्ब का मतलब इज वाज या हैज, या वर्ब की पहली फॉर्म में एस या ई एस, वर्ब की पहली फॉर्म में क्या एस या ई एस, डन है, ये काम करेंगे। लेकिन अगर यही चीज क्या हो, सेम थिंग से रिलेटेड ना हो, अलग अलग हो, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट वन, एक मिनट बेटा, और एंड के साथ में सब्जेक्ट टू, इसके साथ में हम क्या लगा देंगे, प्लूरल वर्ब लगा देंगे, अगर वो सेम थिंग से रिलेटेड नहीं होगा तो। आइए एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर कहा जाए ब्रेड एंड बटर, ध्यान दीजिएगा ब्रेड एंड बटर इज स्पेसियस फूड, नहीं यहां पर करते हैं आर, ब्रेड एंड बटर आर अ गुड ब्रेकफास्ट, गुड ब्रेकफास्ट, ब्रेड और बटर एक अच्छा नाश्ता है, अब बताइए क्या ये सही है। देखिए ब्रेड एंड बटर ये दोनों मिलकर एज अ यूनिट काम कर रहे हैं, सुनो इधर, दोनों मिलकर, और ये कैसे पता चला, साथ एक अच्छा नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है, यहां से पता चला कि दोनों को एज अ यूनिट हम ले रहे हैं, एक यूनिट की तरह है ना, एक यूनिट की तरह ले रहे हैं, यानी कि ब्रेड के साथ बटर लगा हुआ है। अब ऐसा थोड़ी कि पहले पूरा ब्रेड खा लिए अब फिर बटर पर बैठे हो, राइस एंड करी है ना, ऐसा तो होता नहीं, ब्रेड बटर साथ में कॉम्बिनेशन करके रहेगा, अगर आप वैसे खा रहे हो तो आप बिल्कुल ये सही मानो, पहले पूरा ब्रेड खा लिए फिर पूरा बटर खा रहे हो, इसके बाद पानी पी रहे हो है ना, फिर तवे पर बैठ रहे हो, तो गलत हो जाएगा ये, तब आप बिल्कुल आर लगो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा बताइए, प्रेजेंट का केस है तो क्या आ जाएगा, आज हो जाएगा, सॉरी इज हो जाएगा, इज सॉरी भाई इज हो जाएगा, इतना क्लियर है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसमें आई तो एम के साथ लगता है, आई को क्यों इंक्लूड किया, आई तो एम के साथ लगता है, कहाँ पर मतलब इसमें जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ एम लगता है, हाँ ठीक है, लेकिन उसको प्लूरल में रखा जाता है ना, यहाँ कंडीशन नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगला एग्जाम्पल देखिए, अगर हम कह दें, ध्यान दीजिएगा, हम कह दें द मैनेजर, ध्यान से समझिए क्योंकि अच्छा खासा एग्जाम्पल है, द मैनेजर है ना एंड द ऑनर, द मैनेजर एंड द ऑनर, दोनों लग व्यक्ति है ना, द मैनेजर एंड द ऑनर आर गुड, आर गुड पीपल। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर इस सेंटेंस को आप सही मान रहे हैं, ध्यान से देखना, एक सेंटेंस ये लिखा गया और एक सेंटेंस ये लिख दिया जा रहा है, द मैनेजर एंड ऑनर एंड ऑनर, यहाँ दा नहीं लगाया गया है ना, और यहाँ पर इज गुड पीपल। अब ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप मैनेजर के पहले भी आपने दा लगाया है, ऑनर के पहले भी आपने दा लगाया है, इसका मतलब मैनेजर अलग पर्सन है और मालिक अलग पर्सन है, अब यहाँ अलग अलग की बात किया जा रहा है, तब आर बिल्कुल सही है, आर आपका बिल्कुल सही है ना, लेकिन अगर यहां पर देखो द मैनेजर एंड ऑनर, एक ही पर्सन के पहले दा लगा, इसका मतलब जो मैनेजर है वही ऑनर है, इसका मतलब एक ही व्यक्ति है, जो मैनेजर है वही मालिक भी है, मतलब पर्सन एक ही है, जब पर्सन एक ही है तो यहां क्या लगेगा, इज लगेगा, अगर आप द अलग अलग लगा रहे हैं इसका मतलब पर्सन आप अलग अलग हैं, तो वहां पर आर आपको लगाना होगा, मतलब प्लूरल वर्ब रखना होगा, अगर आप एक के ही पहले द लगा दिए तो इसका मतलब जो मैनेजर है वही ऑनर है, पर्सन एक है तो इसलिए इज, दोनों आपका सही है ना। आप बात करते हैं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, अब बताइए राम एंड श्याम इज माई फ्रेंड कि आर माई फ्रेंड, आर माई फ्रेंड,
इज माई फ्रेंड, बोलो क्या होगा? माय फ्रेंड राम, राम अलग है, श्याम अलग है, दो लोग हैं। जब दो लोग हैं एज ए यूनिट तो काम कर नहीं रहा तो है ना, तो यहाँ पर आर नहीं होगा, इज, अरे सॉरी इज नहीं होगा, आर आर होगा। राम और श्याम मेरे मित्र, तो इज माई फ्रेंड्स यहाँ कर देना, सॉरी आर माई फ्रेंड्स, राम और श्याम मेरे मित्र। समझ में आया इतना? बोलो। अरे इतना समझ में आया ना? बोलो क्लियर। तो ये आपका चार रूल हो गए यहाँ तक, बाकी क्लियर है ना? बाकी रूल तो और हैं, आइए एक और रूल करवा दिया जाए, है ना? एक रूल और देख लीजिए जल्दी जल्दी। देखिए फिफ्थ रूल, बाकी यहाँ पर देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऐसा टॉपिक है जिसमें पूरा का पूरा ग्रामर कंटेन है, पूरा ग्रामर का सारा जो उठाकर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रख दिया, और बच्चे भी खुश रहते हैं, एक ही टॉपिक तो आएगा, ग्रामर में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, सब आ रहा है बेटा। चलो एक रूल और देखो, ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ, ध्यान दो इधर, वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ और नीदर ऑफ, है ना? नीदर ऑफ, ये चीज अगर कहीं आ जाएगा ना, इसके बाद हमेशा जो है प्लूरल नाउन आएगा। इसके बाद हमेशा क्या आएगा? प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन का मतलब या तो नाउन में प्लूरल आ जाएगा, प्लूरल नाउन का मतलब नाउन में एस या ई एस, तो सिंगुलर होता है। वर्ब में एस या एस लगाएंगे तब सिंगुलर होता है। प्लूरल नाउन का मतलब नाउन में एस या एस, या कुछ ऐसे नाउन होते हैं एस या एस नहीं लिए रहते हैं फिर भी वो प्लूरल में रहते हैं, जैसे आपका हो गया कैटल होता है, है ना? ऐसे कई है। डन, इतना क्लियर है ना? इतना क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल इसमें का देख लीजिए, जैसे अगर हम लेकिन ध्यान देना, इसके बाद जो वर्ब आता है ना वो सिंगुलर वर्ब आता है भाई, ये बड़ा मस्त। वन ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ के साथ में जो नाउन आएगा प्लूरल कैसा वाला आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगा ना वो सिंगुलर कैसा आएगा, और सिंगुलर नाउन रहेगा प्लूरल वर्ब। सिंगुलर केस का मतलब वर्ब की पहली फॉर्म में या तो एस या एस लगा रहेगा, या इज, वाज या हैज रहेगा। अब एग्जांपल देखिए, जैसे हम कह दें, बताइएगा आप लोग सही है कि गलत है, वन ऑफ हिज बुक्स आर स्टोलन। एक्चुअल में बच्चे इसे जिसको नहीं पता रहता वो सही मान लेता है, क्यों? उनको दिखा बुक्स, लगाओ मुस्कुराते हुए, गलत हो जाता है। अच्छा, इसका रीजन क्या है? उसकी किताबों में से एक किताब, उसकी किताबों में से एक किताब, इसलिए यहां आर नहीं बल्कि इज आएगा। और देखो वन ऑफ के बाद में, वन ऑफ के बाद में आपका प्लूरल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब, पूरा कंडीशन भी फॉलो हो रहा है। डन हुआ इतना? इतना क्लियर। एक और देख लीजिए और बताइए ये सही है कि नहीं, नीदर ऑफ हिज बुक, नीदर ऑफ हिज बुक इज स्टोलन, बताइए सही है? नीदर ऑफ हिज बुक इज स्टोलन, बोलो सही है। और हो जाता है आपका ये गलत है, यहाँ बुक नहीं बुक्स होगा बल्कि बुक्स होगा, ऐसे पूछ लेंगे। अरे भाई नीदर ऑफ के साथ क्या प्लूरल नाउन ना, और प्लूरल नाउन बुक थोड़ी है, बुक्स होगा ना, इज तो सही है सिंगुलर वाला। डन है ना? कभी यहां से गलती दे देंगे, कभी यहां से दे देंगे, वो एरर आते नहीं है। डन, तो ये आपका पांच रूल है। डन हुआ? चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट।